सो फाइनली दोस्तों, जिस फ़ोन का इंतज़ार काफ़ी टाइम से आप लोग कर रहे थे, उस फ़ोन की लॉन्च डेट ऑफिशियली बाहर आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाओमी के मिड रेंज स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 की। अभी कुछ टाइम पहले शाओमी ने इसका सिर्फ एक पिक्चर को कम्युनिटी पर अपलोड किया था, बट उसमें कोई भी लॉन्च डेट नहीं थी। बट अब फाइनली रेडमी नोट 9 को इंडिया में 20 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों वैसे तो ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हो चुका है, अब इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और रेडमी नोट 9 की सीधी टक्कर होने वाली है रियलमी नार्जो 10 से, जिसमें कि हमें मीडिया टेक हेलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है। बट वहीं पर हमें Redmi Note 9 में क्या कुछ देखने को मिलेगा और साथ में इसकी प्राइस क्या हो सकती है, सब मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, अगर आप Realme Narzo 10 लेने की सोच रहे हैं या फिर आपका बजट है 12,000 तक, तो Redmi Note 9 एक जबरदस्त डिवाइस हो सकता है आपके लिए। इस फोन में हमें मिलेगा 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जिसमें की पंच होल डिजाइन देखने को मिलेगा और साथ में Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन भी मिल जाती है। तो अगर ये फोन Xiaomi 12,000 तक लॉन्च करती है तो ये अभी तक का सबसे क्लियर डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि इस प्राइस में हमें किसी और डिवाइस में फुल HD+ डिस्प्ले नहीं मिलने वाली है। और वहीं इसके बैक में P2i नैनो कोटिंग मिलेगी, साथ में क्वाड कैमरा सेटअप और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो लुक और डिजाइन के मामले में ये फोन सेम Redmi Note 9 Pro जैसा ही है, या फिर आप कह सकते हैं कि पोको M2 Pro जैसा है। नेक्स्ट, इस फोन में हमें मिलेगा MediaTek Helio G85 ओक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 2 GHz पर क्लॉक है और 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो इस प्रोसेसर से आप काफी अच्छी गेमिंग कर पाएंगे, क्योंकि MediaTek ने अपनी G सीरीज को गेमिंग करने के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। तो Helio G85 इंप्रेसिव परफॉर्मेंस और मिनिमल पावर कंजप्शन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा इस फोन में LPDDR4X रैम विद UFS 2.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 3GB रैम के साथ में 64GB स्टोरेज और 4GB रैम के साथ में 128GB स्टोरेज देखने को मिल सकती है। बाकी इसकी मेमोरी को आप मेमोरी कार्ड के जरिए एक्सपेंड भी कर पाएंगे। अब बात करें इस फोन के कैमरा की, तो दोस्तों शामी इस फोन में 48MP का प्राइमरी लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर देखने वाली है। तो इस फोन से आप सिनेमेटिक वीडियो, मैक्रो वीडियो बना सकेंगे, बट वहीं इसमें आप 4K वीडियो नहीं बना पाएंगे, सिर्फ आप इसमें 1080p तक वीडियो बना सकते हैं। और वहीं इसके फ्रंट में 13MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि पंच होल डिजाइन में इसके लेफ्ट साइड कॉर्नर में होगा। लास्ट बात करें बैटरी की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि Xiaomi के पास 5020mAh तक की बैटरी का काफी सारा स्टॉक है, तो इस फोन में भी हमें 5020mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में 18W फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। अदर कनेक्टिविटी फीचर की बात की जाए तो इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, USB टाइप सी, 3.5mm हेडफोन जैक, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, रिवर्स चार्जिंग, IR ब्लास्टर और सभी तरीके के छोटे मोटे सेंसर इसमें मिल जाएंगे। अब बात करें इस फोन के प्राइस और लॉन्च की, तो Redmi Note 9 20 जुलाई को 12 बजे लॉन्च किया जाएगा और ये एक ऑनलाइन इवेंट होगा और इसको Amazon पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं ये फोन Realme Narzo 10 को कम्पीट करेगा, तो इस फोन को Xiaomi Narzo 10 से कम कीमत में ही लॉन्च करेगी, यानी कि इस फोन के 3+64GB वेरियंट को 11,499 यानी कि 11,500 में लॉन्च कर सकती है। बाकी आप में से कौन है जो इस फोन को लेना पसंद करेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।